थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की तीन थ्योरीज में पढ़नी है, फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी में दो थ्योरी पढ़नी है, पैकेट की थ्योरी और बर्नर की थ्योरी। फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है चार्ल्स स्पीयरमैन ने इन 1927। इसमें इन्होंने डिफाइन किया कि दो टाइप की इंटेलिजेंस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, और दोनों ही इंटेलिजेंस मिलकर कोई भी टारगेट पूरा करने में हेल्प करते हैं। दोनों इंटेलिजेंस का अपना अपना रोल है। जनरल इंटेलिजेंस अप्लाइज टू ऑल कॉग्निटिव टास्क, और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस अप्लाइज टू यूनिक टास्क या टेस्ट या स्किल। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मतलब स्पेसिफिक स्किल, ये दोनों ही मिलकर काम पूरा करने में हेल्प करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन, परफॉर्मेंस ऑन एनी गिवन टास्क इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फैक्टर। दोनों ही जो इंटेलिजेंस है, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, दोनों ही मिलकर कोई भी गोल कोई टारगेट को पूरा करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी। इसमें है दो थ्योरी, फर्स्ट है पैकेट की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये थ्योरी कहती है इंटेलिजेंस इज एन एडॉप्टिव प्रोसेस है इन्वॉल्विंग इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, जैसे हम सोसाइटी में घुलते मिलते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके इंटेलिजेंस में इम्प्रूवमेंट होता है या बढ़ती है। मतलब इंटेलिजेंस कंटिन्यूस प्रोसेस जो चलता रहता है। तो ये एक अडोप्टिव प्रोसेस है, किसके बीच का, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन का और इंट्रैक्शन का। इंट्रैक्ट करते हैं ना हम लोगों से, उतना सीखते हैं, जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना सीखेंगे। तो पेगेट का जो व्यू है वो है इंटेलिजेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ ए कॉग्निटिव प्रोसेस। इंटेलिजेंस क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस का ही इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन मतलब कुछ ना कुछ नई चीज़ ऐड हुई है और कुछ नया बन के आ गया है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐड होता चला जा रहा है। दिस थ्योरी इंक्रेजेज हैंड्स ऑन लर्निंग एंड एक्टिव एक्सप्लोरेशन टू फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ये थ्योरी इंक्रेज करती है किसको, लर्निंग को, और एक्टिव एक्सप्लोरेशन टू मतलब हम जितना एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखेंगे, उतनी ही हमारी नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि वो जो पहले से नॉलेज स्टोर है मेमोरी में उसमें उतनी चीज़ें ऐड होती चली जाएंगी। दिस थ्योरी हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल इंट्रैक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये थ्योरी क्या करती है, हाईलाइट करती है सोशल इंट्रैक्शन को, इम्पोर्टेंस सोशल इंट्रैक्शन जो हम करेंगे उसकी इम्पोर्टेंस है किस चीज़ में, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अगर हम अकेले अकेले रहेंगे तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं होगा जितना सोसाइटी में हम मिलजुल के रहेंगे या सोसाइटी से इंट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि उतनी तरह के चैलेंज हमारे सामने आएंगे, उतने ही हम सोल्यूशन ढूंढेंगे, उतना ही दिमाग चलेगा, तो उतनी ही हमारी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। नेक्स्ट थ्योरी है बर्नर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये थ्योरी है पनिशमेंट और रिवार्ड वाली थ्योरी, मतलब जिस चीज़ के लिए हमें रिवार्ड दिया जाता है उस चीज़ों को सीखते हैं, जिसको लिए पनिश किया जाता है उसे हम छोड़ देते हैं। तो दिस थ्योरी रिफर्ड एज द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट फोकस ऑन हाउ ह्यूमन कंस्ट्रक्ट नॉलेज, इंसान कैसे नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड हाउ दे यूज दैट नॉलेज इन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और कैसे वो इस नॉलेज को यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। द ग्रोइंग इंटेलिजेंस इज डिपेंड ऑन सिचुएशन। इंटेलिजेंस किसके ऊपर डिपेंड है, सिचुएशन के ऊपर। दीज ग्रोइंग एबिलिटीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट, स्पेशली द रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिवार्ड और पनिशमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर रिवार्ड मिल रहा है तो उसे हम अच्छे से सीखेंगे, तो ये सिचुएशन है। लर्नर कैन बिल्ड न्यू नॉलेज अपॉन नॉलेज दे हैव प्रीवियसली लर्न, जो हमने पहले से सीखा है उसमें नई चीज़ें ऐड होती चली जाती है ना, तो हमने नई नॉलेज ऐड कर दी पुरानी नॉलेज में। दिस कैन लेड टू ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। इससे हुआ क्या, हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई उस सिचुएशन को लेके। जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं तो हम सीख रहे हैं तो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं तो और कुछ नया पता लगता है, तो हम पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज ऐड करते चले जाते हैं। यही है बर्नर की थ्योरी। दिस मेथड इंक्रेज करता है डीपर अंडरस्टैंडिंग, जितना हम उसे नए नए ऐड करते चले जाते हैं उतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ को लेकर डीपर होते चली जाती है, एंड रिटेंशन ऑफ नॉलेज एज लर्नर आर मोर इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। ये मोस्ट रिसेंट थ्योरी और मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, मतलब लेटेस्ट ये थ्योरी है जो दी थी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट ने। इसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट है इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब जो इन्फॉर्मेशन आई है हमने उसे अपने समझ लिया है और स्टोर कर लिया है।
इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सेंसरी इनपुट इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी, मतलब मेमोरी में स्टोर करने लायक हमने उसे बना लिया, मतलब चीज़ समझ में आएंगे तो भी स्टोर होंगे, समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी स्टोर नहीं होगा। नेक्स्ट इन्फेयरिंग, ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है वेयर इंडिविजुअल ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन, मतलब कंक्लूजन निकालते हैं किस चीज़ से जो भी हमें दिख रहा है एविडेंस उससे एक कंक्लूजन निकालते हैं। नेक्स्ट है मैपिंग, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मैपिंग का मतलब ये है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर लिया है किस चीज़ का, इंफॉर्मेशन का, आइडियाज का और कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट एप्लीकेशन, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड एंड विजुअल वे टू ऑर्गेनाइज अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका उसे अप्लाई करना है तो उसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक ऑर्गेनाइज वे में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जस्टिफिकेशन, इट प्रोवाइड एविडेंस आर्ग्यूमेंट्स और एक्सप्लेनेशन टू शो दैट समथिंग इज रीजनेबल नेसेसरी और अप्रोप्रिएट, जस्टिफाई करना कि जो चीज़ हमने ढूंढी है सोल्यूशन हमने ढूंढा है वो सही है, तो ये जस्टिफाई करना कि कैसे वो सही है। नेक्स्ट है रेस्पॉन्डिंग, इट इज़ इफेक्टिव रेस्पॉन्डिंग इज क्रूशियल, रेस्पॉन्ड करना भी एक कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, तो इफेक्टिव रेस्पॉन्डिंग इज क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटरपर्सनल इंट्रैक्शंस।